हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ और आप देख रहे हैं नो एनी थिंग्स। नो एनी थिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि अगर आपने नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था या सुधार के लिए या फिर किसी मेम्बर का नाम छूटा हुआ था तो उसे ऐड कराने के लिए तो आप उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने बहुत जल्दी काम किया है तो सभी का राशन कार्ड बन गया है। तो आप डाउनलोड कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको अपने मोबाइल में किसी भी पोर्टल को ओपन करना है और टाइप करना है eps.bihar। जैसे आप इस वेबसाइट को टाइप करेंगे तो नीचे देख सकते हैं ये ओपन हो जाएगा eps, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको RC इशू सिस्टम पर क्लिक करना है। RC इशू सिस्टम पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जन वितरण अन्न का एक ऑफिशियल वेबसाइट आ गया जो कि बिहार सरकार का ही है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन स्टेटस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला है वो जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना अनुमंडल सेलेक्ट करना है। जो भी आपका अनुमंडल आएगा वो आप उस अनुमंडल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जब आपने नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो आपको एक RTPS संख्या दिया हुआ है, मतलब कि आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया होगा। वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद शो करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका राशन कार्ड बना है कि नहीं बना। अगर आपको शो कर जाएगा कि आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप इसे डाउनलोड कैसे करेंगे, इसके लिए फिर से आपको eps.bihar.gov.in पे आना है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं RCMS है, मतलब कि राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट ऑन कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ राशन कार्ड इन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बिहार है। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ राशन कार्ड एज ऑन 12/5/2020, ठीक है। तो ये मतलब 12 मई को ही अपडेट किया है इस वेबसाइट को और आज 13 मई है। तो आप डेट देख सकते हैं यहां पे कि कौन सा डेट है, 13 मई दिख रहा है आपको, क्योंकि ये वेबसाइट ऐसा है कि बहुत जल्दी नहीं खुलता है। आज खुला है तो कल नहीं खुलेगा, कल खुला है तो परसों नहीं खुलेगा, क्योंकि इसका सर्वर बहुत लो है, ठीक है। तो आपको ऐसे करके ओपन करके खोल लेना। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शो पे क्लिक करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट शो कर जाएगा। उसके बाद आप कौन से एरिया से आते हैं, ग्रामीण से आते हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी से आते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं कि PHH जो है 391,304 है और AAY जो है 52,860 है और टोटल है 444,164। फिर आपको जिस एरिया से आते हैं उस एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उस एरिया के बाद आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पंचायत सिलेक्ट करना है, जो भी आपका पंचायत है उस पंचायत को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको आपका गांव कौन सा है उस गांव को आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे। गांव सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे राशन कार्ड का डिटेल्स आ जाएगा। तो दोस्तों, इस बार ऐसा किया है कि डीलर का नाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया है। वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि बिहार में ऐसा हो रहा है कि एक ही डीलर के पास 500 आदमी है, ठीक है, और राशन किसी और डीलर के पास उठाते हैं और नाम किसी और डीलर के पास है। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक पंचायत का मतलब एक गांव का पूरा एक ही जगह कर दिया है, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं और यहां पे दोस्तों आप फिल्टर भी नहीं कर सकते हैं, यहां पे फिल्टर भी यूज आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको पेज बाय पेज यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका नाम है या नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, फिर यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर शो करेगा, फिर राशन कार्ड का टाइप कौन सा है वो टाइप यहाँ पे शो कर जाएगा, फिर राशन कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद राशन कार्ड होल्डर का फादर नेम या हस्बैंड नेम होगा, उसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेंबर कितना है वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, फिर उसके बाद डीलर का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो आपको अपना नाम देखने के लिए पूरा पेज बाय पेज देखना पड़ेगा, ठीक है। टोटल 10 पेज पे एक डीलर का होगा, ठीक है। तो आपको एक डीलर का 10 पेज करेंगे तो एक डीलर खुल जाएगा, उसके बाद दूसरे डीलर का खुल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे पेज बाय पेज करके अपना नाम देख सकते हैं, ऐसे ही करके पेज बाय पेज आप अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपको
आप ऐसे ही करके पेज बाय पेज चेक कर सकते हैं कि आपका नाम कहाँ पे है। जहाँ पे आपका नाम मिल जाएगा तो अगर आपको राशन कार्ड डाउनलोड करना है तो डायरेक्ट आप इस पे क्लिक करेंगे राशन कार्ड नंबर पे, ठीक है, तो आपका राशन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जैसे राशन कार्ड नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्डधारी का नाम आ जाएगा, पता आ जाएगा और जो भी डीलर है डीलर का नाम आ जाएगा, ठीक है, और जितने मेंबर एड है उस मेंबर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हैं और जिसका भी डाउनलोड करना है आपको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका नहीं इसमें ऐड हुआ है तो आपका अभी नहीं बना होगा राशन कार्ड, इसलिए आपका नहीं ऐड हुआ है, ठीक है। तो आपको फिर से जीविका के पास जाना है और उसे बोलना है कि मेरा राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, या मेरा राशन कार्ड अभी तक सुधार नहीं हुआ है, या मेरे राशन कार्ड में आपने अभी तक नाम किसी का नहीं जोड़ा है, ठीक है। आप वहाँ जाके बोल देंगे तो आपका नाम जल्द से जल्द जोड़ दिया जाएगा। अगर आपका राशन कार्ड नहीं भी बना है तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट ऐसा है कि तुरंत बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वेबसाइट एनी टाइम अपग्रेड होते रहता है, क्योंकि नया कुछ भी ऐड करना होता है तुरंत ऐड करता है, इसलिए सर्वर काम नहीं करता है उस टाइम में। तो आपको जिस टाइम में काम करें आप देख सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप रात में 12 बजे के बाद करें तो आपका काम करेगा। अभी तो मैं दिन में कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं तो दिन में भी काम कर रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि ज़्यादा लोड हो जाए, फिर किसी चीज़ को अपडेट करना हो तो ये वेबसाइट ओपन ना हो, तो आपको वेट करना है तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो आप ऐसे करके अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप डीलर के पास से राशन ले सकते हैं, क्योंकि नया राशन कार्ड जो आपको घर पर मिलेगा वो 15 से 20 जून तक मिलेगा, जब तक आप राशन इसको दिखा करके ले सकते हैं। और आपका जितना फैमिली मेम्बर यहाँ पर शो करेगा उतने फैमिली मेम्बर का आप राशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।